नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कंडीशन के बारे में कि जब भी आप एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हैं या निकालने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई बार हम एटीएम से पैसा निकालने गए, एटीएम से स्लिप निकल जाती है और हमारा पैसा नहीं निकलता है, तो उस टाइम में हमें बड़ी परेशानी होती है, हमें बड़ी टेंशन होती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों आपको करना क्या चाहिए और इस विषय में आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं, कि आरबीआई इस बारे में क्या कहता है कि अगर आपका पैसा नहीं निकले और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाए, आपके पास मैसेज आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये जो आरबीआई की गाइडलाइन है ये सभी के लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, आपके पास एसबीआई का कार्ड है, लेकिन अगर आप एचडीएफसी के पास या एक्सिस के पास या कोटक महिंद्रा के पास पैसा निकलवाने गए हैं, तो ये सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। जिसके एटीएम से आपने पैसा निकाला वो भी जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पास किसी भी एटीएम से पैसा निकालने गए वहां पर और आपका पैसा नहीं निकले, तो तुरंत जो भी वहां पर सबसे नजदीकी जो भी ब्रांच होगी, सबसे पास की जो भी ब्रांच है, वहां पर आपको सबसे पहले शिकायत दर्ज करवानी होगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई छुट्टी का दिन है, संडे है या सेकेंड या फोर्थ सैटरडे, जिस दिन बैंक बंद रहती है, तो उस दिन क्या करें, उस दिन जो भी आपकी बैंक का जो एटीएम पे नंबर लिखा रहता है आप वहां पर फोन करें, और बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक को 7 डेज के अंदर आपका पैसा वापस करना होता है। अगर 7 डेज के अंदर वो आपका पैसा वापस नहीं करते हैं तो उनको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी आपको देना रहती है। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक पे शिकायत करने जाएं तो बहुत सारे लोग बिना चीज़ों के, बिना एटीएम के, बिना स्लिप के ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इसके बारे में बैंक आपसे कभी भी आपकी सुनेगा नहीं। दोस्तों, जब भी आप बैंक पे शिकायत करने जाएं तो हमेशा अपनी लिखित शिकायत दें, अपनी मतलब अपने हाथ से या एक टाइपिंग किया हुआ लेटर उसमें दें। साथ में आप उसमें जब भी आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो उसके साथ एक स्लिप निकलती है, वो रिसीप्ट निकलती है, उस स्लिप की फोटोकॉपी आप ज़रूर उसमें लगाएं। स्लिप की फोटोकॉपी लगाना उसमें ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसमें एटीएम की आईडी लिखी रहती है, लोकेशन लिखी रहती है, उसमें टाइम लिखा रहता है कितने बजे आपके अकाउंट से पैसा निकला, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देना होती हैं। तो बैंक अब मान लीजिए कि 7 दिन के बाद भी बैंक आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत लोकपाल में कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, बैंक के लोकपाल में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब ये तो हुई स्लिप वाली। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि बैंक जाके देख सकता है, मतलब वहाँ पर एक जो कैमरे के फुटेज भी वहाँ पे काम में आ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आपको कि जब आपने पैसे निकाले तो उस टाइम में पैसे निकले या नहीं निकले। तो कई बार बैंक अधिकारी इस बारे में ये बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर ही अगर बैंक की गलती होती है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एटीएम में, ये तो एक चीज़ हो गई, दूसरी बात ये कि जब भी आप एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो आप ज़रूर अपने आसपास देखें कि कोई आदमी आपके आसपास खड़ा तो नहीं है, वो आपका पासवर्ड तो नहीं देख रहा है, वो आपका एटीएम तो नहीं देख रहा है, क्योंकि आजकल एटीएम से फ्रॉड की बहुत जो शिकायतें बढ़ गई है, क्योंकि ज़माना डिजिटल की तरफ जा रहा है, लोग जो है ना लेन देन आजकल एटीएम के थ्रू ही ट्रांसफ़र करने लगे हैं और बहुत ही कम आजकल लोग पैसा निकालने लगे हैं, तो इस तरह से ये धोखाधड़ी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आजकल लोग बैंक में नहीं जाते हैं पैसा निकालने के लिए, वो सीधा एटीएम में ही जाते हैं पैसा निकालने के लिए, और ऐसे बहुत सारे ई कॉर्नर बने हैं सभी बैंकों के, तो वो वहीं पर जाके अपने पैसे भी जमा कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने बैंक के कस्टमर केयर का नंबर हमेशा अपने पास रखें। वैसे मैक्सिमम एटीएम में ये लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको कहीं पर मोबाइल में ये कहीं ना कहीं सेव करके रखें कि मान लीजिए अभी आपका एटीएम चोरी हो जाता है, खो जाता है, या एटीएम से पैसा नहीं निकलते हैं, आप चाहें तो अपना जो बैंक होता है उस वहाँ का जो बैंक मैनेजर है उसका एक लैंडलाइन नंबर या टेलीफोन नंबर हमेशा अपने पास रहें, जिससे जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी या आपके पास एटीएम से पैसे नहीं निकले तो आप तुरंत उनको फ़ोन लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो होम ब्रांच है बहुत दूर है या जहाँ से आपने एटीएम निकाला वो भी, जहाँ से पैसे निकाले वो भी काफ़ी दूर है, तो आप अपने 10 काम छोड़ के वहाँ पर भाग रहे हैं, लेकिन आपके पास फ़ोन नंबर होगा, आपके पास लैंडलाइन नंबर होगा, तब तुरंत वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि सर इस तरह से मेरा एटीएम खो गया है या मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकले, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप इन सब चीज़ों का एक जगह अपने मोबाइल में, एक जगह फ़ोन नंबर हमेशा सेव करके रखिए, और दूसरा इन सब फ़ोन नंबर को आप अपने घर पर एक जगह डायरी में भी लिख कर रखिए। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम भी चोरी हो गया, फ़ोन भी खो गया, उस कंडीशन में क्या करें, और ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे थे कि एन वक्त पर, एन मौके पर आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अलर्ट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।